साहबदार ने कहा है कि एक कंपेन के तौर पर पेश किया जा रहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। कोई ऐसी वजह नहीं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, अल्लाह ना करे पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट करे। डिफॉल्ट की ख्वाहिश इमरान खान के साथ कब्र में जाएगी। ये जो डिफॉल्ट का रेटोरिक है ना, ये रेटोरिक इमरान खान के साथ कब्र तक तो जाएगा। पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं करे। तो मैं समझता हूँ कि हर एक को अपने मुल्क का पहले ख्याल करना चाहिए और कोई ऐसी वजह नहीं है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ये नहीं है कि जैसे हमारा 2016 में हम बहुत ज्यादा यानी कंफर्टेबल थे, आज तक वो रिकॉर्ड नहीं टूटा। 24 बिलियन डॉलर के हमारे जखायर थे, हमारे करीबन ऑलमोस्ट उस वक्त के 5-5.5 महीने की इंपोर्ट का बिल हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व थे। अब हम मैनेज कर रहे हैं। सऊदीया का हमारी जो है वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारी जो उनसे बातचीत हुई है वो मटीरियलाइज बड़ी जल्दी होगी जी। वो एडिशनल डिपॉजिट के हवाले से 1 अक्टूबर को एक रिडक्शन दी थी 12.5 रुपए के करीब पेट्रोल और डीजल में, करीबन 11.25 के करीब लाइट डीजल ऑयल मिट्टी के तेल में। उसके बाद जब भी ये समरी आती है कि एक में इतना बढ़ा दें, एक में कम कर दें।